हमारे आउटफिट में स्नीकर्स सबसे मेन रोल प्ले करते हैं हमें अट्रैक्टिव दिखाने में, और स्नीकर्स को हमारे आउटफिट में सबसे पहले नोटिस किया जाता है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो स्नीकर्स खरीदते समय और पहनते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण उनकी पूरी लुक खराब हो जाती है और उनके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट अट्रैक्टिव स्नीकर्स बताने वाला हूं जो हर पर्सनैलिटी पर सूट करेंगे और ये सभी के बजट में है। साथ ही ये आपकी लुक को पहले के मुकाबले और अट्रैक्टिव एंड हैंडसम बना देंगे। ये सभी स्नीकर्स आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और एंड तक देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम किसी आउटफिट को पहनते हैं तो हम यही चाहते हैं कि उस आउटफिट का कॉम्बिनेशन अच्छे से हो सके, कि जो हम अपर आउटफिट पहन रहे हैं वो लोअर आउटफिट के साथ मैच करे ताकि हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव दिख सके। लेकिन हमारे पास जितने कपड़े होते हैं उतने ज्यादा स्नीकर्स नहीं होते कि हम हर तरह के कपड़े के साथ स्नीकर्स पहन सके, और स्नीकर्स ना होने के कारण हम कई बार ऐसे स्नीकर्स को पहन लेते हैं जो हमारे आउटफिट के साथ सूट ही नहीं करते। लेकिन इन सभी का एक बेस्ट सॉल्यूशन है प्योर व्हाइट कैजुअल स्नीकर। आपके पास प्योर व्हाइट कैजुअल स्नीकर होना ही चाहिए, क्योंकि आप व्हाइट स्नीकर को किसी भी आउटफिट के साथ पहन लो वो हर आउटफिट के साथ आसानी से मैच करता है। बट व्हाइट स्नीकर्स का एक ही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो आपको कुछ इस तरह के लेदर राउंड व्हाइट स्नीकर्स को ही परचेज करना है। अगर ये स्नीकर्स गंदे भी हो जाते हैं तो एक बार गीले कपड़े से साफ करने पर ये आसानी से साफ हो जाते हैं, और मार्केट में कुछ इस तरह के मिक्स कलर व्हाइट स्नीकर्स भी होते हैं। लेकिन आपको इस तरह के स्नीकर्स को बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि ये मिक्स कलर स्नीकर्स आपके लुक को खराब करते हैं। लेकिन प्योर व्हाइट स्नीकर्स आपको वर्सेटाइल लुक देते हैं। सेकंड, क्लासिक ब्लैक स्नीकर्स। इंडिया में सबसे ज्यादा जो सिंगल कलर स्नीकर्स पहने और पसंद किए जाते हैं वो है व्हाइट और ब्लैक स्नीकर्स। ब्लैक स्नीकर्स बोल्ड लुक के लिए जाने जाते हैं, कि अगर आप बोल्ड आउटफिट पहनते हो तो उनके साथ आपको ब्लैक स्नीकर्स जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपके लुक को और निखार देते हैं। इसीलिए ये सेकंड नंबर पर क्लासिक ब्लैक स्नीकर्स हैं। और अगर ये ब्लैक स्नीकर्स गंदे भी हो जाते हैं तो जल्दी पता नहीं चलते, इसलिए आपको कुछ इस तरह के शॉर्ट स्नीकर्स को ही परचेज करना है ताकि ये आपके पैर के साथ बिल्कुल सूट करे। एंड इस स्नीकर्स को आप हर कैजुअल आउटफिट के साथ पहन सकते हो। जब भी आप इसे परचेज करो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये फुल स्नीकर ब्लैक रंग का हो। आपको कुछ इस तरह के व्हाइट थ्रेड वाले स्नीकर्स को अवॉइड करना है, और आपको ये फुल ब्लैक स्नीकर्स को ही परचेज करना है। थर्ड, स्पोर्ट्स स्नीकर्स। अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास ऐसा स्नीकर्स हो जिसे आप डेली पहन सको एंड वो जल्दी फटे या खराब ना हो, तो इसके लिए आप स्पोर्ट्स स्नीकर्स को खरीद सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स स्नीकर्स जल्दी डैमेज नहीं होते एंड आप इन्हें जिम, रनिंग, अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको मल्टीपल कलर्स की वैरायटीज मिल जाएंगी, और जो भी कलर आपको पसंद है और जो आपके डेली लाइफस्टाइल के साथ सूट हो उसे आप चूज कर सकते हो। साथ ही एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप स्पोर्ट्स स्नीकर्स को खरीदो वो बढ़िया क्वालिटी के हो, ताकि उन्हें पहनने के बाद वो आपके लेग्स के लिए आरामदायक हो और उन्हें पहनने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। फोर्थ, स्लिप ऑन स्नीकर्स। अगर आप स्नीकर्स के फीते को अवॉइड करना चाहते हो तो आप स्लिप ऑन स्नीकर्स को चूज कर सकते हो, क्योंकि इनमें बाकी स्नीकर्स की तरह फीते नहीं होते। इसे आप आसानी से पहन भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। फीते ना होने के कारण इसमें से हवा आसानी से पास होती रहती है और पसीना बहुत कम आता है। ये एडवांटेज के कारण ये स्नीकर्स काफी पॉपुलर है। साथ ही इसका ये फैब्रिक काफी कम्फर्टेबल होता है, जिसे पहनने के बाद आपको काफी कम्फर्टेबल फील होता है। इस तरह के स्नीकर्स आप इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन सेंटर में पहनकर जा सकते हो, क्योंकि आपको इन्हें उतारने और पहनने में आसानी होगी, और इसे भी आप कैजुअल आउटफिट के साथ पहन सकते हो जो आपको वर्सेटाइल लुक देता है। इसमें भी आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने पसंद के हिसाब से चूज कर सकते हो। फिफ्थ, हाई टॉप्स एंड लो टॉप्स। अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप हाई टॉप स्नीकर्स के साथ जा सकते हो, क्योंकि जब आप इन स्नीकर्स को पहनते हो तो ये स्नीकर्स आपके पैर के यहाँ तक आते हैं, और आपकी हाइट के कारण ये स्नीकर्स आपके लेग्स में काफी बढ़िया सूट करेंगे। सेकंड, लो टॉप स्नीकर्स। लेकिन अगर आपकी हाइट लंबी नहीं है तो आप लो टॉप स्नीकर्स के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये लो टॉप स्नीकर्स स्पेशली उन लोगों के लिए बने हैं जिनकी हाइट
ज्यादा लंबी ना हो और इन स्नीकर्स की लेंथ आपके एंकल से थोड़ी सी ऊपर तक ही होती है। अगर इन दोनों स्नीकर्स को देखें तो इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। हाई टॉप स्नीकर्स एंकल के ऊपर तक होता है, लो टॉप स्नीकर्स एंकल के पास ही होता है। लेकिन जब आप इन स्नीकर्स को पहनते हो तो ये स्नीकर्स आपको बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इन स्नीकर्स को पहनकर बेसबॉल या अदर फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, ये स्नीकर्स आपको खरोच और चोट से बचाते हैं। साथ ही ये आपके आउटफिट में बोल्ड लुक ऐड करता है। ये बाकी स्नीकर्स से काफी अलग होता है और इस स्नीकर्स के फैब्रिक्स भी काफी कंफर्टेबल होते हैं, जिन्हें पहनने के बाद आपको कंफर्टेबल फील होता है। अब ये 5 स्नीकर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन 5 स्नीकर्स में से कौन सा स्नीकर आपको काफी पसंद आया। एंड इन सभी स्नीकर्स का परचेजिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप आसानी से इन स्नीकर्स को परचेज कर सकते हो। और अगर आपके मन में फैशन रिलेटेड एडवाइस या कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, आईडी स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉप 5 मोस्ट अट्रैक्टिव पैंट जानने के लिए ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो देखो, और मोस्ट अट्रैक्टिव शर्ट्स जानने के लिए ये राइट साइड वाली वीडियो देखो।